वालेकुम जी मेरी आवाज़ आपको आ रही होगी एंड होपफुली जो कल हमारा लेक्चर था आपने रिवाइज कर लिया होगा और उसके ऊपर जो मैंने आपको टास्क दिया था वो भी आपने कर लिए होंगे अगर नहीं किए तो आई वुड हाईली रिकमेंड के यार आप लोग जो टास्क आपको दिए जाते हैं वो किया करें अदरवाइज आपको इशू होगा समझने के लिए ठीक है uh, कुछ लोगों ने मुझे टास्क को सेंड किए हैं एंड दे ट्राई टू ड्रॉ कन्फ्यूजन मैट्रिक्स और उन्होंने जितने भी हमने मैट्रिक्स पढ़े थे उन्हें ड्रॉ करने की कोशिश की है एंड मोस्ट ऑफ आर फाइन लेकिन अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम ड्रॉइंग कर सकते हैं खासतौर पर प्लॉटिंग कर सकते हैं और प्लॉटिंग को किस तरीके से हमने पाइथन uh, के अंदर करना है और यहीं से हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली मैं पाइथन पे जाऊंगा और पाइथन पे इस तरीके से हम इसको शुरू करेंगे और यहाँ पे आपको वन बाय वन करके मैं सारी चीजें जो है वो बारी बारी दिखाता हूँ फिर हम देखते हैं कि आप आपकी क्या सजेशन है और आप किस तरीके से इसको ड्रॉ करते हैं ठीक है जी तो मैं यहाँ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन का जो हमारा कल वाला था फाइल उसी के अंदर ही मैं आगे मूव करूंगा अब यहाँ पे हम सिंपली uh, क्या काम करेंगे किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ और दो मेजर जो है हमारे मैट्रिक उनको मैं देखूंगा एंड फिर आपको समझाया जाएगा कि किस तरीके से हम इन इन चीजों को ड्रॉ करते हैं फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं यहां पे लिखता हूं लॉजिस्टिक रिग्रेशन इन पाइथन ठीक है मैंने सिंपली इस वजह से लिखा था कि आपको पता चल जाएगी कि हम किस चीज़ पे काम कर रहे हैं आपको पता है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे ही कर रहे हैं फिलहाल के लिए उसकी रीजन क्या है क्योंकि इसके जो काफी सारे कॉन्सेप्ट so, यार आप लोग इसको जरा और से देखें ताकि आपको समझ आए कि हमने बाकी क्लासिफिकेशन के एल्गोरिथम में किस तरीके से मैट्रिक्स को कंट्रोल करना है ठीक है रिग्रेशन के लिए मैंने सिंपली ने रिग्रेशन का आपको दिखा दिया था अब क्लासिफिकेशन के लिए हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन को एज ए बेस लाइन बना के चल रहे हैं ठीक है बेस लाइन बनाने के लिए अब यहाँ पे चार लाइब्रेरीज जो मैंने आपको बताई थी मैं सिंपली यहीं से वो उठाता हूँ और एंड पे ले जाता हूँ यहाँ पे पेस्ट करता हूँ ये चार लाइब्रेरीज जो हमारी बेसिक लाइब्रेरीज हैं इनके ऊपर हम काम करेंगे और इसके बाद हमने जो आगे काम करना है वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है उसको मैं बोलूंगा फ्रॉम एस के लर्न डॉट लीनियर मॉडल लॉजिस्टिक रिग्रेशन निकाल लिया फिर हमने फ्रॉम एस के लर्न यहां से मॉडल सिलेक्शन की करके हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट निकाल लिया इसके बाद हम फ्रॉम एस के लर्न और यहां पे हम मैट्रिक्स को लेके आएंगे मैट्रिक्स एक्यूरेसी स्कोर 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 रिकॉल ये सारे भी कर सकते हैं आप पे डिपेंड करता है आपने कौन से करने इसके अलावा कंफ्यूजन मैट्रिक्स एक चीज है वो भी हम यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेते हैं ये मैंने सारी की सारी चीजें यहाँ पे इम्पोर्ट कर ली है मैंने एक ही दफा रख के ना सारे मैट्रिक्स इम्पोर्ट कर लिया आपने बारी बारी करने टू यू ठीक है, है? लगा के आप फर्दर जो एक ही आपका कह लें कि एक क्लास होती है फंक्शंस की उसके अंदर फर्दर आप फंक्शंस उन्हें इंपोर्ट कर सकते हैं लाइक दिस ठीक है तो मैंने एक ही दफा कर ली इसको मैं रन करता हूँ यहाँ से मैंने रन किया तो मेरे पास ये सारे के सारे इंपोर्ट होंगे अब अभी का जो काम है वो हम करेंगे टाइटेनिक के डेटा सेट पे ताकि आपको बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन की एक रियल लाइफ एग्जाम्पल पता चल जाए ठीक है बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्योंकि कल से काफी लोग कंफ्यूज्ड हैं वो अलग बात है वो बताते नहीं है क्योंकि उनको लगता है यार नहीं समझ आई तो कोई नहीं खैर है देखी जाएगी पढ़ लेंगे लेकिन मैं आपको एक रूल बता देता हूं कि अगर आप देखिए पढ़ लेंगे कर लेंगे कल पे छोड़ेंगे तो फिर वो काम नहीं होता तो इस वजह से हम बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन के ऊपर सबसे पहले काम करेंगे और इसी वजह से मैंने जहा हूँ यहाँ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन लिखा है इसी के नीचे मैं डबल हेडिंग है इसको मैं बोलता हूँ बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन समझ आ आपको बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या है जिसमें हम दो चीजों को प्रेडिक्ट करते हैं जो जीरो या वन की तरीके से लिखी जाती है ठीक है अब यहां पे, आ, मैं का डेटा इंपोर्ट करूंगा उसके लिए मैं सिंपली लिखता हूँ डी एफ इज इक्वल टू एस एन एस डॉट लो डेटा सेट वही चीज जो आपको पहले से पता है और इसके अंदर मैं टाइटेनिक लिख दूंगा डायमंड की बजाय ठीक है Titanic का डेटा डेटा आ गया, के से से आप अच्छे तरीके से वाकिफ हैं, नहीं वाकिफ तो मैं आपको करवा देता हूं अभी, ये रहा जी, from, skim, pie, import, skim करके मैं डी एफ के ऊपर ये लगा देता हूं, ये आपके सामने आ गया तो मैं वो इन्फो उन्फो सारा कुछ भोल के सिंपली डायरेक्ट फंक्शन स्किम पाई का आपके सामने लगा दिया इससे मुझे पूरे डेटा की जुस्ट मिल गई हमारे पास रोज कितनी है कॉलम्स कितने कितना टाइप्स की स्ट्रिंग है इंटीजर कितने फ्लोट कितने कैटेगरी कितनी है बुलियन ऑपरेटर कितने, कितने अब जहां पे बुलियन आ रहा है व्हाट डज इट शो कि ये बाइनरी है राइट right? बुलियन क्या चीज होती है आप जरा थोड़ा सा पाइथन uh, के कॉन्सेप्ट को दोहराएंगे ना स्टार्ट में जो मैंने आपको बताया था तो बाइनरी को हम बुलियन बोलते हैं या नहीं बोलते मैं गलत कह रहा हूं या सही कह रहा हूं बुलियन में ट्रू फॉल्स होता है ना या यस yes, या नो no होता है ठीक है एक या जीरो जहां पे बाइनरी होता है अब यहां पे देखते हैं कि बुलियन कौन कौन से हैं बेसिकली सिंपली uh, uh, जहां पे यूनिक वैल्यूज आपके पास दो हों तो उनको हम बेसिकली बुलियन बोलते हैं अगर देखा जाए तो. तो हमारे पास कॉलम के नेम्स हैं कॉलम के टाइप्स हैं और ये सारा जितने भी हमारे पास कैटेगरीज हैं वो हमारे पास आ गए हैं ठीक है थीके? अब ये सारा कुछ करने के बाद अगर आपको अभी भी नहीं यकीन होता कि बुलियन है या नहीं है और आपका डेटा टाइप किस तरीके से चेंज हो रहा है तो आप सिंपली क्या करते हैं एक बाइनरी ऑपरेटर बना लें टाइटेनिक के डेटा के अंदर

करना है वो कैसे करना है सिंपली मैं एक्स और वाई में अपने डेटा को कन्वर्ट करूंगा एक्स और वाई में कौन कौन सी चीजें हमने कन्वर्ट करनी है उसको देखते हैं अच्छा मैं यहां पे प्रिडिक्ट करना चाह रहा हूं कि टाइटेनिक के के डेटा अंदर कौन हुआ और कौन नहीं बेस्ड ऑन टू प्रिडिक्ट मेरी बात को फॉलो कीजिएगा बेस्ड ऑन टू वो दो प्रडिक्टर कौन कौन से हैं वो होंगे एक्स इज इक्वल टू इसके अंदर मैं रखूंगा डीएफ इन टू और इसके अंदर जो मैं चीज लेके आता हूं, वो इसको मैं double bracket से स्टार्ट करता हूं आपको पता है मैंने क्यों किया नहीं पता तो मैं आपको समझा दूंगा एज कॉमा सेक्स की पे ठीक है बाकी आप बाकी भी कर सकते हैं बट मैं दो तो प्रिडिक्टर ले रहा हूं एज एंड सेक्स रीजन क्या है ये दो अहम प्रिडिक्टर हैं जिनका आपस में को रिलेशन हमें बताता है कि बंदे के मरने का इस पर डिपेंड कर सकता है क्यों मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि मर्दों को बाद में बेचारे को बचाया जाता है पहले औरतों और बच्चों को बचाया जाता है याद है मेरे पुराने लेक्चर अगर नहीं याद तो मैं आपको बता देता हूँ कि कभी भी कोई हादसा हो बड़े वाला तो सबसे पहले कहा जाता है औरतों और बच्चों को बचाओ क्यों क्योंकि उन्होंने नस्लें आगे चलानी होती है और मर्द थोड़े से सख्त जान होते हैं तो इस वजह से वो कोशिश खुद भी कर सकते हैं लेकिन औरतें और बच्चे जो हैं उन्हें पहले बचाया जाता है तो इसी वजह से मैंने इन दोनों को यहाँ पे चूज किया इन दो प्रोडिक्ट को कि इसकी बेस पे हम निकालते हैं वाय हमारा कौन सा वाह जिन आप हमारे पास डी के अंदर हमने सर्वाइव्ड के कॉलम को प्रिडिक्ट करना है सो दैट्स हाउ वी कैन एक्चुअली हैव अ काइंड ऑफ बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक क्वेश्चन आया कि मैंने डबल ब्रैकेट्स क्यों यूज किए हैं आप अगर मशीन लर्निंग का मेरा पहला लेक्चर देखेंगे मैंने एरर जानबूझ के निकाल के भी आपको बताया था कि डबल ब्रैकेट्स का क्या मतलब है बेसिकली ये टू डायमेंशन को शो करता है कैसे अगर आप सिंगल ब्रैकेट लगाएंगे ना तो आपका डेटा वन डायमेंशनल होगा इक like, ऊपर से नीचे जब कोई डाटा आ रहा हो ये वन डायमेंशन होता है जब राइट से लेफ्ट जा रहा हो ये सेकंड डायमेंशन होती है डेटा ठीक है टेंसर्स में थ्री डायमेंशन भी होती है मैट्रिक्स जब हम पढ़ेंगे टेंसर पढ़ेंगे उनको फिर हम जब देखेंगे उसमें बात होगी टेंसर्स बल्कि फोर डायमेंशन में भी चला जाता है सो टॉकिंग अबाउट टू डायमेंशन एंड वन डायमेंशन यहाँ पे हम इसको लगा देंगे टू डायमेंशन क्यों जरूरी है क्योंकि हमने प्रडिक्शन लेनी होती है ठीक है ओके तो मैंने एक्स और वाई के अंदर कन्वर्ट कर दिया यहां तक आपको सारी समझ आ गई होगी कि एक्स और वाई के अंदर मैंने क्यों कन्वर्ट किया अब right? अब मैंने एक्स और वाई ले मैं train, test, लिए, लिए कोई इशू नहीं है। है। मैं लगाना उसके क्या होता है जनाब एक्स अंडर स्कोर ट्रेन एक्स अंडर स्कोर टेस्ट फिर वाई अंडर स्कोर ट्रेन फिर टेस्ट

ठीक है रैंडम स्टेट लगानी है लगा दो नहीं लगानी तो ना लगाओ मैटर रैंडम स्टेट से क्या होगा आपका बेसिकली जो मॉडल है ना वो एक ही तरीके से ट्रेन होगा ठीक है बार बार आपकी जो पैरामीटर्स है ना लॉजिस्टिक रिग्रेशन के जब हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग में जाएंगे मैं आपको तब बताऊंगा बट फॉर नाउ आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन को मॉडल को क्रिएट कर दें क्रिएट करने के बाद ट्रेन द मॉडल उसके लिए क्या करना है मॉडल डॉट फिट ठीक है फिट करने के बाद एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन के ऊपर इसे हम ट्रेन कर देंगे आपने क्रिएट और ट्रेन कर दिया मॉडल को अब यहां पे मेरे पास क्या रहा है? लेट मी सी आनी नहीं चाहिए बट कुड नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग समझ आई कुछ बात की क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे हम एज को सॉरी सेक्स को हम कन्वर्ट करना पड़ेगा इनकोडिंग करके ठीक है तो मैं इनको काम पे करूंगा यहां पे मैं encoding करूंगा फ्रॉम एस के लर्न डॉट प्री प्रोसेसिंग यहां पर मैं करूंगा इम्पोर्ट लेबल इनको एल ई इज इक्वल टू लेबल इनको वो कल वाली बात ठीक है फिर बाद में अगले अगला काम क्या करना है जनाब मैंने एक ऐसे भी कर सकता हूं डी एफ के अंदर जो हमारे पास सेक्स का कॉलम है सिर्फ उसको मैं इनकोड कर दूं ठीक है हमने क्या किया था एल ई डॉट फिट ट्रांसफॉर्म डी एफ और सेक्स को हमने इनकोड कर दिया सिंपली मैं यहां पे डी एफ डॉट हेड दोबारा लगाता हूं, आपके सामने आ गया राइट right? क्या काम किया हमने मेल और फीमेल को वन और जीरो में कन्वर्ट कर दिया सही आ गई समझ यहां तक या नहीं आई ठीक है ओके okay. मैंने कोड किया मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ एक्स और वाई मेरे पास सेपरेट दोबारा दोबारा से से बन से से बन ट्रेन टेस्ट गया एंड नाउ इफ आई ट्रेन दिस अगेन द एरर इज कमिंग लेट्स सी क्या एरर आ रही है एक्स कंटेन वैल्यूज सेकंड एरर समझ आ रही है कुछ बात की ये एरर्स जो है ना अगर आपको पढ़ने नहीं आती तो मसले मसाइल आपके बहुत होने इसका मतलब क्या हुआ एक्स कंटेन नन वैल्यूज अब हम देखेंगे कि एक्स का मसला क्या है मैंने यहाँ पे क्योंकि एक्स हमारे पास डबल डायमेंशन है वी yes, कैन समझ रहे हैं बात को तो क्या मैं कर सकता हूं मैं ड्रॉप कर सकता हूं एक्स के अंदर से नल वैल्यूज ताकि मेरे पास इक्वलाइज हो जाए चीजें या मैं इसको इंप्यूट कर सकता हूँ तो फिलहाल के लिए मैं इसको ड्रॉप करता हूं बाकी आप एज को यहां पे इंप्यूट भी कर सकते हैं एक्स एज के अंदर या मैं यहां पे अगर लिखता हूं आ, न, मेरे ख्याल से हाँ जी बताएं इंप्यूट कर लेंगे या ड्रॉप कर दें क्योंकि मीडियन मीडियन और मेडियन के साथ हम इसको इंप्यूट कर सकते हैं बट फॉर मी आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे हम इसे ड्रॉप कर दें रीजन ये है कि हमारा मकसद यहां पे एल्गोरिथम समझना क्योंकि ईडीए के अंदर ये सारी चीजें मैंने पहले से आपको करवा दी हुई हैं। यू है पहले इंप्यूट करते हैं बाकी बाय द वे अगर ड्रॉप करना हो तो सिंपली क्या होता है एक्स डॉट क्या होगा ड्रॉप एन ए ठीक है इन प्लेस ट्रू इससे क्या होगा आपकी सारी वैल्यूज एक्स वाली ड्रॉप हो जाएंगी

अच्छा अब एक और मसला आ गया क्या मसला आया कोई बता सकते हैं क्या मसला आया होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और अल्लाह की तरफ से सामने आ रही है आज ये वो चीजें होती है मतलब ये आपको करने से पता चलती हैं वैसे समझाने से नहीं पता चलती मसला ये आया है एक्स के अंदर सात सौ चौदह वैल्यूज हैं

ट्रू यहाँ पे करके अदरवाइज आई कैन ऑल्सो डू सम से डीएफ के अंदर से, से ड्रॉप कर दू चले यहाँ पे छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं तो सिंपली मैं मैंने क्या किया था इसको स्टार्ट किया हमने यहाँ पे टाइटेनिक का डेटा लोड किया स्कीम किया हमने स्कीम करने से हमें पता चल गया कि कहा जस्ट डू इट अगेन और यहाँ पे हमने क्या किया जिना आप सेक्स क्विन कोड किया अब अगली प्री प्रोसेसिंग यहीं पे हमने करनी है इंप्यूट नल वैल्यूज ठीक है अब आप बताएं जी इम्प्यूट कैसे करेंगे हम नल वैल्यूज को किसकी एज की हाउ कैन वी इम्प्यूट दैट तो डीएफ डॉट मीन के साथ करेंगे ना कैसे करेंगे वो बताना है आपने कैसे फिल एन ए कर सकते हैं हम मीन के साथ हम इम्प्यूट करेंगे पता नहीं मुझे नहीं समझ आती पता नहीं ये मेरी आवाज सुन रहा होता है गिटअप को पायलट या वो कोडियम कोई आवाज सुन रहा है मेरी समझ से बाहर है या जो मैं लिखता हूँ यहाँ पे आया था खैर बाय द वे डीएफ के अंदर एज उस कॉलम को हम मैनिपुलेट कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि इस कॉलम को मैनिपुलेट करना है एंड देन इक्वल टू डीएफ एज इसके अंदर जो एन ए है उसे फिल करने के लिए ये वाला कमांड आ जाएगी देन हम करेंगे किसके साथ फिल करना है बाय कैलकुलेटिंग द मीडियन ऑफ दैट मीडियन के बजाय मैं यहां पे मेन लिख देता हूं सिंपल तो ये मेन से हो जाएगा लो जना तो ये इंप्यूट होगी नल वैल्यूज अब हम दोबारा से करते हैं डी इसकी बजाय मैं यहाँ पे डी कर लेता हूँ ताकि मेरे पास सारा कुछ आ जाए तो मेरे पास सारा का सारा आठ जो हमारे कॉलम है सेक्स का एज का आठ सौ सौ इक्यावे तो हमारी सारी चीजें so, कि से करना अगर नहीं पता तो uh, thing, या मैं आपको कोड भेज दूंगा अब यहाँ पे हमारे पास मैं दोबारा से इसे हेड करता हूं तो मेरे पास ये चीजें आ गई है ठीक है तो मेरे पास सेक्स भी न्यूमेरिक है एज भी हमारे पास न्यूमेरिक होगी बुलियन में था मैंने इसको रन किया एक्स और वाई आ गई एक्स की इन्फो की जरूरत नहीं ऑलरेडी हमने कर लिया इसको मैंने रन किया तो ट्रेन टेस्ट सप्लिट हो गया यहाँ पे रन किया तो मेरे पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर कोई भी एरर नहीं आई पॉइंट टू बी नोटेड। जब कभी भी कोई भी मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम करना है प्लीज स्टार्ट में ही ना दो तीन चीजों का ख्याल करना पहली चीज ये है कि इनकोडिंग कर लें तो बहुत ज्यादा बेहतर है सोच में ना पड़े ना दूसरी चीज मिसिंग वैल्यूज को इम्प्यूट करके हैं जो ईडीए का मैंने आपको बताया था ना जरा काम मैं जब बार बार कहता था अस्सी ईडीए uh, uh, उसकी रीजन ये थी कि मशीन लर्निंग से पहले वो सारे काम करना जरूरी है अदरवाइज आपका मशीन लर्निंग एल्गोरिथम कुछ भी नहीं होना वो कहते ना जीरो बटा वो हो जाना काम पे तो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स बिफोर गोइंग इन टू मशीन लर्निंग एल्गोरिथम फॉरन से जंप ना करें अब अक्सर का आ लोग मेरे से पूछने के यार आप रियल टाइम डेटा सेट पर क्यों नहीं काम करवा रहे मशीन लर्निंग का क्यों एग्जाम को लेकर आरोप उसकी रीजन भी यही है ना कि अगर मैं सारी प्रोसेसिंग पे रोजाना की एक क्लास लगाऊंगा तो मैं मशीन लर्निंग का पढ़ाऊंगा सो प्लीज बी केयरफुल अबाउट दैट अच्छा जी मेरे पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन यहाँ पे आ चुका है एक्स हमारे पास ये और वाई हमारे पास ये ठीक है दो और एक तीसरा ये कॉलम ना वी हैव टू समथिंग हमने कैसे प्रिडिक्ट करना है मॉडल बल्कि y_predict इसको मैं लिख लेता हूँ इज इक्वल टू इसके आगे हमने क्या करना है मॉडल डॉट प्रेडिक्ट x टेस्ट को ये तो बात समझ आई है ना जो मैंने पहले लेक्चर में बताई थी मशीन लर्निंग के कि x की वैल्यू को प्रिडिक्ट करेंगे हम x टेस्ट की मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ हमने 80% डेटा लिया उससे मॉडल ट्रेन किया जो x ट्रेन एंड y ट्रेन था राइट right? समझ आ गई बात की फिर हमने जो 20 फीसद डेटा बचा के रखा था मॉडल को चेक करने के लिए वो एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट है अब हमें पता है कि जितनी भी एक्स टेस्ट की वैल्यू है ना उसका सर्वाइव्ड की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी पड़ी है ठीक है ऑलरेडी पड़ी है जैसे बच्चों को क्वेश्चन पेपर दिया जाता है बाद में पूछा जाता है आंसर और उनके कंपेयर किए जाते हैं ओरिजिनल आंसर के साथ ये आपके ओरिजिनल आंसर है वाई टेस्ट ठीक है बट वेन यू आर क्वेश्चन पेपर टू वो प्रोडिक्ट करके आपको दे रहे हैं हमारे पास जो बच्चा है इस वक्त वो है मॉडल मॉडल जो हमें आंसर प्रिडिक्ट करके दे रहा है एक्स टेस्ट के क्वेश्चन का दैट इज कॉल्ड वाई तो इसका मतलब है इसको ओरिजिनल के साथ हम कंपेयर करेंगे जिसका नाम है वाई टेस्ट समझ आ गई बात की तो वाई प्रोडिक्ट और वाई टेस्ट इस तरीके से चलता है मैंने इसको वाई प्रोडिक्ट में स्टोर कर लिया अब हमने आगे क्या करना है जब हमारे पास वाई प्रोडिक्ट के अंदर कोई चीज आ जाती है ना उसके बाद हम डिफरेंट किस्म के एक्यूरेसी के पैरामीटर्स चेक करते हैं जैसे मैंने आपको पिछले वाले में करके दिखाया था मैं वही सेम कोड यहाँ पे उठा के ले आऊंगा ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो बल्कि बचे ये जो थे पैरामीटर्स एक्यूरेसी के आर ओ सी एसी वगैरह वो सारा कुछ मैं यहाँ पे रख रहा रखना हूं। इसको बोलते हैं अवेलुएटिंग द मॉडल मॉडल को वैल्यूएट करने के लिए एक्यूरेसी अंडरस्कोर स्कोर करेंगे तो हम क्या करेंगे टेस्ट यानी ओरिजिनल क्वेश्चन के आंसर वर्सेस वाई बच्चों ने आंसर दिए दोनों को कंपेयर करेंगे कितने परसेंट एक्यूरेट है वो एक्यूरेसी स्कोर है कितना प्रिसाइजली आंसर दिया है मतलब जो चीज ओरिजिनल थी उसका आंसर वो ही दिया है वो आ गया प्रिसीजन रिकॉल स्कोर ये है कि कितनी याददाश्त उनकी अच्छी है मतलब क्लास सॉरी क्लास में जो पढ़ाया गया था उनको आता है कि नहीं और इसको बड़ी डिटेल में मैं आपको बताने वाला जस्ट गिव वन है दोनों चीजों को कंपेयर करना है सो एट दी एंड हमारे पास जो एवेल्यूएशन मैट्रिक्स है वो ये है. है क्योंकि टोटल अगर वन है तो उसका 0.78 क्या हुआ 78% 78% एक्यूरेसी है प्रसीजन हमारी 75% है रिकॉल हमारा 0.70 यानी कि 70%, 70 है एफ वन स्कोर इतना है एयूसी आरओसी इतना है अब हर एक मैट्रिक का अपना फंक्शन है और मैट्रिक क्यों यूज किए जाते हैं मैट्रिक्स इन हम बोलते हैं टू कंपेयर टू मॉडल्स अगर मैं सेम एक्स और वाई सेम एक्स और वाई पे कोई और मॉडल लगाऊं और उसकी एक्यूरेसी बेहतर आ जाए या ये वाले मैट्रिक्स में से कोई भी चीज बेहतर आ जाए देन वी कैन से ये मॉडल बेहतर है ये वाला बेहतर नहीं है दैट इज वाई वी यूज मैट्रिक्स टू कंपेयर टू और मोर देन टू मॉडल्स ये हमारे पास एक मेजरमेंट का आला है अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं हमारे पास पाकिस्तान में गर्मी है कंपेरिटिवली जर्मनी की नस्बतियाँ नहीं तो हमारे पास आला क्या है उसको करने का स्केल, कितने डिग्री ये तो नहीं कहना या आप इस बेस पे थोड़ी ना कर रहे हैं कि जो बेचारा वैसे ही ए सी वाली हवा में उन्होंने तो कहना ठंड है वो अपना एसी चला के बैठे हुए ना समझ रहे हैं बात को सो वी अ स्टैंडर्ड मैट्रिक्स जो एक जेनुअन और पूरी दुनिया में वो यूज किया जा रहा है वो है टेम्परेचर का स्केल वो फॉरन हाइट भी हो सकता है तो वी कैन एक्चुअली टू कम्पेयर टू थिंग्स टू इन्वास टू मॉडल्स तो क्लासिफिकेशन के मॉडल्स को कंपेयर करने के लिए वी कैन यूज दीज फाइव और देर मेनी मेनी अदर मैट्रिक्स जो मैंने आपको पहले क्लास में बता दिया हूँ नहीं आपको पता तो उसका लिंक जो मैंने आपके साथ शेयर किया था अगर आप एस के लर्न मैट्रिक्स में जाए मैं आपको भी दिखा भी देता हूँ मैं दोबारा से आपको वो लिंक दिखा देता हूँ जिसकी मैं वन सेकंड मैं ये यहाँ पे आपके सामने ले आऊँ रीजन ये है कि एक चीज को बार बार रिकॉल करवाने का फायदा ये होता है कि आपको फिर ना याद रहती है अदरवाइज लोग जो हैं वो इन चीजों पे गौर नहीं करते और फिर मसला हो जाता है जब लेटर ऑन हम एडवांस क्लासेज में जाते हैं ये आपके सामने आती दे है यहां पे आप आ आने के बाद आपने क्या होता है? उसके लिए होता है। अब आपके पास क्लासिफिकेशन के मैट्रिक्स है यहां पे, है रिग्रेशन के हैं क्लस्टरिंग के हैं डमी एस्टिमेट और बाकी चीजें भी है आप यहां पे सिंपली क्लासिफिकेशन के मैट्रिक्स पे क्लिक करें ये सारे मैट्रिक्स पढ़ेंगे एंड विद डेफिनेशन के कौन सी क्या है ये पढ़े हुए सारे अब अगर कोई आप में से मेरे से पूछता है कि जनाब ये एक्यूरेसी um, स्कोर क्या चीज है देन वी वी कैन फाइंड दैट हियर अगर मैं आपको कहूं कि जी ये ये हमारे पास स्कोर क्या है वो ये पढ़ा हुआ है ठीक है प्रोसीजन रिकॉल स्कोर क्या है आर ओसी कर्व क्या होती है एओ सी कर्व क्या होती है ये ये सारे मैट्रिक्स हैं किस चीज के मैट्रिक्स हैं ये सारे क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम के जब कभी भी क्लासिफिकेशन पे आप काम करेंगे तो आप इन मैट्रिक्स को मद्देनजर रखेंगे मैंने पांच आपको लिख के दिए उनको बारी-बारी देखते हैं एक्यूरेसी स्कोर क्या है इसके ऊपर चलते हैं एक्यूरेसी स्कोर की अगर हम बात करें तो एक्यूरेसी स्कोर का मतलब यह होता है कि जब भी आपके पास दो या दो से ज्यादा क्लासेस इसमें मल्टी क्लास लेबल्स को यहां पर बताया मैं दो या दो से ज्यादा इस वजह से कहूंगा कि अगर एक बंदा बच रहा है और हमारा मॉडल उसे सच में बचा रहा है तो एक्यूरेसी ठीक है मतलब सौ बंदों में से सौ बचाए हैं उसने तो इसका मतलब हंड्रेड परसेंट एक्यूरेसी है सौ में से सत्तर बचाए हैं लेकिन सौ बचे हुए हैं तो उसका मतलब ये सेवेंटी परसेंट हमारा मॉडल एक्यूरेट है समझ रहे हैं बात को वही क्वेश्चन वाली बात कि ये हमने मॉडल को दिए क्वेश्चन वो बाइनरी क्लास में भी सेम चलेगी और मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में भी सेम चलेगी समझ रहे हैं बात को मतलब अगर एक बंदा मर गया है एक जिंदा है और तीसरी कैटेगरी हम डाल देते हैं अस्पताल में क्रिटिकल कंडीशन में तो जैसे मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन इंक्रीज करेगी मॉडल का एक्यूरेट होना मुश्किल होता जाएगा कि नहीं मुश्किल होता जाएगा ना अगर आप सोचेंगे और से वो जी तो पाकिस्तान में कहता है ना बोलो हाँ वो तो आसान है बोलो हाँ ठीक है लेकिन वो बीज वाली चीजें जो कहता है ले ले वो वाला काम जो है मुश्किल हो जाता है क्यों वो आपको पता ही नहीं होता कि अगले डिब्बे में क्या है सौ डिब्बों में से एक चूज करना वो कितना मुश्किल हो जाता है अगर आपने नहीं देखा वो शो तो आप जरूर देखिएगा आपको समझ आएगी ठीक है अगली बात आपको बता देता हूँ अब यहां पे कल मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी परसों में दी थी कि आपने कलर के हिसाब से क्लासिफाई करना चाहिए उनको रेड और ब्लू में तो आप क्लासिफाई कर सकते हैं इजीली, लेकिन अगर पंद्रह बीस कलर्स हो और अगर कोई लड़की बैठी हो आपके पास और वो कह रही हो कि ये कलर तो पिंक नहीं है ये तो फ्ला पिंक है आशी पिंक भी पता नहीं कौन कौन से पिंक निकाले होते हैं सारी बात है लड़कों को नहीं समझ आते सो so, आप परेशान हो जाएंगे ना इसी तरह मॉडल परेशान हो जाता है और उसको परेशानी को दूर करने के लिए क्या होता है उसकी ट्रेनिंग जरूरी है राइट कई ऐसे आर्टिस्ट लड़के भी हैं ना जिनको आत् पिंक कलर वगैरह का पता होता है क्यों क्योंकि उनकी ट्रेनिंग इन्वॉल्व है सो so, ट्रेनिंग कैसे होती है भाई ट्रेनिंग होती है आपकी डेटा को देख देख के अब एक बंदा करता ही मतलब लड़कियों के जो डिफरेंट सूट्स होते हैं उन पे काम करता है उसको पता है कि मेरे कस्टमर ने आके कहना वो जो हमारा केसरी कलर है वो दिखाओ सानू की पता केसरी है लेकिन उस बंदे को पता होगा केसरी ये वाला है और वो शेड भी बताएगा ये थोड़ी सी डार्क शेड है या थोड़ी सी लाइट है इसमें थोड़ा सा फायर इफेक्ट आ रहा है मतलब वो उन लोगों को बहुत पता होता है वो कैसे आता है ट्रेनिंग से ट्रेनिंग कैसे होती है डेटा से डेटा कैसे आता है एक मॉडल के ऊपर जब आप ज्यादा काम करते हैं पॉइंट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए आपको डेटा बहुत ज्यादा चाहिए होता है बाइनरी के लिए कम डेटा से काम चल जाता है कंपैरेटिवली बात कर रहा हूं रिलेटिव कंपेरिजन के लिए मिसाल आपको फिर से दे देता हूं एक सौ आपके पास रोज हैं दोनों के लिए एक मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है एक आपके पास बाइनरी है बात सुनिएगा के अंदर दो क्लासेस 50 50 दोनों में डिवाइड हो गए मल्टी क्लास में 6 हैं 100 में से कितने कितने आए के से तकरीबन तो कोई आप कह सकते हैं 15 6 90 16 16 6 15 कुछ समथिंग लाइक दैट जो भी आता है तकरीबन ठीक है आप हिसाब लगाएं अब एक्यूरेसी और उसकी वो समझने की सलाह कम होगी ना सो so, इस वजह से आपने इंस्टेंसेस रोज और इन चीजों को मद्देनजर रखना है ये वो चीजें जो मैथमेटिकली आपने आगे आगे जाके देखनी होती है ठीक है अब यहां तक समझ आ गई एक्यूरेसी स्कोर क्या होता है अब अगली बात पे चलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात है गौर से सुनिएगा मैंने आपको बोला कि सत्तर लोग उसने बताए सौ में से कि मर गए तीस उसने बताए हैं कि जिंदा है ठीक है थीके? लेकिन हमारा कहना यह है कि सौ के सौ बचा तो इसका मतलब सत्तर फीसद जो हमारा है वो मॉडल जो है वो एक्यूरेट है ठीक है अब अगली बात करते हैं अगली बात एक करते हैं अब जो उसने सत्तर बताए हैं बचने वाले क्या वो सच में बचे हैं या वो कोई और सत्तर थे दैट शोज प्रिस वर्सेस रिकॉल समझ आई बात की या नहीं हम ओवरऑल जब बात करते हैं एक्यूरेसी की होती है वो ओवरऑल बात होती है कि सौ में से कितने बचे वो कहता है सत्तर हम कहते हैं कि सौ के सौ बचे तो सत्तर फीसद हमारा मॉडल ठीक है लेकिन वो जो बचे हैं सत्तर जो उसने बताए हैं वो कौन कौन से बचे हैं उसकी डिपेंड करता है कि हमारी प्रोसीजन और रिकॉल स्कोर कैसा है ठीक है कौन से अगर एक बंदा बचा है और ये उसको कह रहा है कि जी बचा है तो इसका मतलब है कि ये बेहतरीन तरीके से हमारा मॉडल प्रिडिक्ट कर रहे हैं ठीक है एक बंदा बचा नहीं है वो इसको कह रहा है कि मुर्दा है इसका मतलब क्या है नेगेटिव एक बंदा मुर्दा है वो उसको कह रहा है कि बच गया है। वो हो गया पॉजिटिव इसकी मिसाल मैंने दी थी याद होगा आपको जिनको नहीं याद वो जरा टेलीग्राम में जाके दोबारा चेक करें मैं आपको <coughs> उस मैसेज पे दोबारा ले जाता हूं जो बड़ी मुश्किल से मैं इस, इस मुद्दे पे आया हूँ क्योंकि जारी बात है प्रोसीजर और रिकॉल स्कोर को समझना ईजी नहीं है अगर आप दोबारा जाएं टेलीग्राम के ग्रुप के अंदर वहाँ पे मीडिया में जाएं वहाँ पे तस्वीरें पड़ी होंगी इफ़ आई कैन रिकॉल मेरी भी रिकॉल की मेमोरी जो है ना वैसी है फिर जस्ट मी वन सेकेंड यस मेरे सामने आ गई है वो तस्वीर और ये बकायदा जो कोर्सेज है ना डिफरेंट किस्म के ऑनलाइन उनमें पढ़ाई जाती है और ये जिस बंदे ने एग्जाम्पल दी थी वो बड़ा एक माना हुआ बंदा है हाँ जी स्क्रीन आपके सामने नजर आ रही होगी आपको इनको हम टाइप वन टाइप टू एरर भी कहते हैं फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव का पहले यहाँ पे मैं आपको क्लियरली मतलब समझा दूं फिर हम चलेंगे प्रिसीजन वर्सेस रिकॉल क्या होता है ठीक है फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव इन दोनों चीजों का मैं बताता हूँ इसको टाइप वन टाइप टू एरर भी बोलते हैं हम स्टेटिस्टिक्स की जुबान में जो मैंने पहले भी आपको बताई हुई है अगर आपको आपने मेरे साथ पढ़ी है, टाइप वन एरर वो क्या होती है, वो है, फाल्स। समझ दो ठीक है? और टाइप टू एरर क्या है साफ पता चल रहा है कि वो लेडी प्रेग्नेंट है और जो डॉक्टर है तो वो काम खराब है ना ठीक है वो नेगेटिव हो गया नाउ द थिंग इज कि अच्छा नेगेटिव और और पॉजिटिव रिकॉल में कैसे आएगा प्रोसीजन और रिकॉल में इनको लाने के लिए यू हैव टू बी क्लेरिफाइड कि यार नेगेटिव और पॉजिटिव हमारे लिए क्या चीज आती है अब आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जैसे मैंने ये तस्वीर निकाली आप गूगल इमेजेस पे जाएं वहां पे लिखें प्रिसीजन वर्सेस रिकॉल और आपको पांच से सात तस्वीरें सामने आएंगी उनको जरा एक्सप्लोर करें फिर हम इसको देखते हैं दो मिनट लें अपने प्लीज प्रोसीजन वर्सेस रिकॉल स्कोर क्या होता है ठीक हो गया होपफुली आपने देख लिया होगा और आपको कुछ समझ आ आगे होगी मैं अब आपको एस के लर्न के जो मेन चीज है ना उसके ऊपर बताता हूँ और फिर हम रिकॉल पे बात करेंगे ठीक है असल में हाँ, बड़ा छोटा सा फर्क है इसके अंदर मतलब ऐसा रिफाइंड फर्क है कि आम बंदे को समझ नहीं आता हो ठीक है आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दूंगा आपको फिर शायद समझ आ जाए अगर नहीं आएगी तो आई विल ट्राई टू गिव एन अदर एग्जाम्पल फिर इसको देखते हैं िसीजन स्कोर क्या है प्रिसाइज यानी कि जामे ठीक है अब मेरी बात सुनिएगा द प्रिसीजन स्कोर अगर उसकी रेशियो देखी जाए तो टीपी ओवर टीपी प्लस एफ पी ठीक है रेशियो ये क्या है वेयर टीपी इज द नंबर ऑफ ट्रू पॉजिटिव एंड एफ पी इज द नंबर ऑफ फॉल्स पॉजिटिव द प्रिसीजन इज इंट्यूएटिवलीफ क्लासीफायर नॉट टू लेबल एज पॉजिटिव अंपल दैट इज नेटिव िसीजन का मतलब यह है कि अगर एक सैंपल नेगेटिव है ना तो वो इसको पॉजिटिव ना कर दे ठीक है एबिलिटी उसकी मॉडल की समझ आ गई और अगली बात क्या है रिकॉल पे चलते हैं दोनों को समझ आ जाएगी आपको द रिकॉल इज द रेशियो ऑफ टीपी ओवर टीपी प्लस एफ एन वे टीपी इज द नंबर ऑफ ट्रू पॉजिटिव एंड एफ एन इज द नंबर ऑफ फॉल्स नेगेटिव

जितने पॉजिटिव है सभी को कॉल कर ली कि ये सारे पॉजिटिव हैं दैट इज हंड्रेड परसेंट रिकॉल स्कोर अगर उस मॉडल ने सेवेंटी परसेंट रिकॉल दिया इसका मतलब है वो तीस को भूल गया है मॉडल तीस को अच्छे से नहीं उसने क्लासिफाई किया पॉजिटिव को पॉजिटिव में और कोई बात नहीं हो रही ठीक है सो द एबिलिटी ऑफ क्लासिफायर टू फाइंड ऑल द पॉजिटिव सैंपल्स करेक्टली की बात हो रही है सही है अगर वो सारे के सारे पॉजिटिव को फाइंड कर ले दैट इज रिकॉल स्कोर यानी कि याद कर ले पॉजिटिव इतने याद कर लिया अब अगली बात करते हैं यहां पे क्या हो रहा है क्लासीफायर की एबिलिटी के वो किसी नेगेटिव को पॉजिटिव तो नहीं कह रहा समझ आई बात की तो ये दोनों बड़े मैटर करते हैं अगर नेगेटिव को कोई पॉजिटिव बना रहा है तो उसका जो है वो कम हो जाएगा सही है और इसी तरीके से अगर वो सारे के सारे पॉजिटिव को नहीं सामने लेके आ रहा तो इसका मतलब है है उसका कम याददाश्त कम है याददाश्त की जुबान याद रखे याददाश्त उर्दू का यही तो मजा है ना याददाश्त के सारे पॉजिटिव थे उसने पॉजिटिव नहीं कहे ठीक है कि मॉडल की सलाहियत कैसी है किसी चीज को देखने की मतलब ये यहां पर सभी के सभी जिंदा को काउंट कर रहा है कोई पीछे तो नहीं छोड़ रहा है कश्ती में डूबने के लिए समझ रहे हैं बात को कि जितने जिंदा हैं वो साइड पे कर लिए हैं कि नहीं इसने इज रिकॉल जैसे वो रोल नंबर स्लिप होती है ना हाँ भी कौन कौन हाजिर है रोल नंबर वन टू थ्री तो वो सारे का सारा क्या होता है आपका रिकॉल स्कोर सही है अब चलते हैं परसियन की तरफ अगर वो बंदा मुर्दों को कह दे अभी जिंदा है तो वो हमारे पास उसकी प्रसिजन में शक आ जाएगा ठीक है अगर वो मुर्दों को सही तरह सेपरेट कर रहा है जिंदा से तो वो होगा हमारा प्रसिजन स्कोर कितना प्रिसाइजली सेपरेट कर रहा है यार मंडी में बड़े आलू छोटे आलू आलूा करने वाली एग्जाम्पल आपको मैं दे देता हूं इसमें क्या है कि सारे के सारे आलू आ रहे हैं आपके पास ठीक है सारे के सारे जितने आलू हैं वो सारे के सारे आ गए पीछे को आलू बचना जाए मतलब आलू प्याज में से आप प्याज को सेपरेट कर रहे हैं आलू को सेपरेट यहां पे क्या है कि क्या किसी प्याज को वो आलू तो नहीं कह रहा शेप की बेस पे। डिफरेंस ठीक है तो ये दोनों याद रहेंगे अभी आपको रिकॉल क्या होता है याददाश्त और प्रिसीजन क्या होता है कितना प्रिसाइज करेक्टली आंसर दे रहा है इन दोनों को याद रखिएगा तीसरी टर्म आने लगी है दैट इज एफ वन स्कोर सुनिएगा

मैंने आपको मैट्रिक्स में सिर्फ बताना है ये भी बताना है कि कैसे आपने स्टडी करना है सो एफ वन स्कोर क्या है रिकॉल और प्रोसीजन का मीन समझ आ गई बात की हारमोनिक मीन बोलते हैं अच्छा इसकी बेस्ट वैल्यू होती है वन या वन के करीब वर्स्ट वैल्यू होती है जीरो के करीब मतलब क्या आपको सिंपल सी बात समझाता हूं अगर उसकी याददाश्त भी खराब है और मुर्दों को भी जिंदा कह रहा है तो इसका मतलब है उसका एफ वन स्कोर भी खराब गया ठीक है उनकी है ना वो मीन

अब मुझे बताएं कि ये चार के चार मैट्रिक्स आपको याद रहेंगे क्लासिफिकेशन के किसी किस्म की क्लासिफिकेशन अगर आ जाती है अब एक और मैट्रिक मैं आपको बताता हूं दैट इज कॉल्ड कंफ्यूजन मैट्रिक्स और वो मिलता जुलता ही है इनसे कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या होता है ठीक है अब इसको समझाने के लिए बाकायदा मैं आपको एक डायग्राम यहां पर दिखाता हूं ये वाली कंफ्यूजन मैट्रिक्स की मैं बेसिकली डायरेक्टली वेबसाइट पे इस वजह से गया हूँ क्योंकि आई डोंट वांट टू हैव अ कॉपीराइट स्ट्राइक जिसका मैं कंटेंट यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो so मैं डायरेक्टली यहां पे जाता हूँ कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्या होता है ये एक्चुअली मैट्रिक्स है क्या वही ट्रू पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव उनकी बातें हम करते हैं अब प्रडिक्टेड वैल्यू लेफ्ट साइड पे actual value है एक्चुअल वैल्यू ऊपर है एक्चुअल वैल्यू क्या है जनाब वाई टेस्ट प्रिडिक्टेड वैल्यू क्या है वाई प्रिडिक्ट राइट right? इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं ना अब हमने जितनी वैल्यू हैं उनके नंबर्स देखने होते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स में सही है अगर कोई चीज एक्चुअली ट्रू थी और मॉडल ने भी उसे ट्रू बोला तो वो यहां पे आ जाएगी अगर कोई चीज एक्चुअल फॉल्स थी मॉडल ने ट्रू बोल दिया तो यहां पे आ जाएगी अगर कोई चीज एक्चुअली ट्रू थी और मॉडल ने उसे फॉल्स कह दिया दैट इज फॉल्स फॉल्स नेगेटिव वो यहां पे आ जाएगी इसी तरह अगर है और वो फॉल्स नहीं बोल रहा लेकिन उसको ट्रू नेगेटिव बोल दिया जाएगा सॉरी अगर फॉल्स फॉल्स है है कह रहा है तो वो ट्रू नेगेटिव हो जाएगा यानी कि सेंटर में जितनी भी नंबर आएंगे इस तरीके से लाइन में वो वो वाले नंबर होंगे जो मॉडल ने एकटली प्रिडिक्ट किए हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स के अंदर और जो इस तरीके से साइडों पे आएंगे वो नंबर वो होते हैं जो इसने फॉल्सली प्रिडिक्ट किए हैं ठीक है इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास यहां पे ये रेड खानों के अंदर कोई कोई नंबर आ जाता है इसका मतलब आपकी प्रिसीजन भी खराब है रिकॉल भी खराब है एफ वन स्कोर भी खराब है एक्यूरेसी भी खराब है सो कंफ्यूजन मैट्रिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है जो आप मशीन लर्निंग के अंदर क्लासीफायर को यूज करते हुए जिसपे काम करते हैं अगर आपने डिटेल में देखना हो कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या होता है तो सिंपली वो कुछ इस तरीके से बनता है ये जो आपके सामने आ रहा है ठीक है ये आपके सामने आ रहा है ना कंफ्यूजन मैट्रिक्स अरे की शक्ल में आता है मैं आपको अभी ये बना के दिखाता हूं अपने पाइथन के ऊपर ठीक है कोई मसला तो नहीं है यहां पर ना अभी आपको समझ आ रही है चीज की ठीक है कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाते हैं आप लोगों में से किसी ने कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाया अभी तक या नहीं बनाया हाँ जी चले ठीक है नहीं मैंने नहीं दिया लेकिन अगर आप गौर करते तो शायद आपको पता लगता है कैसे बनाते हैं मैं सिंपली आपको दिखा देता हूं यहां पे लिखना कन्फ्यूजन मैट्रिक्स ठीक है और इसके अंदर वाई टेस्ट और वाई प्रोडक्ट लिख देना ये लें पकने को मुश्किल है इमरान भाई आपका फिर बना दे मैट्रिक्स कहते हैं हम तो अभी खुद कंफ्यूज हैं ये काम साथ साथ करेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी ये समझ आ गई जनाब आप कंफ्यूजन मैट्रिक्स मैंने यहां पे आपको बना के दिखाया सिंपली वही एक्यूरेसी स्कोर बाकी स्कोर की बेस पे आपने ऐसे कंफ्यूजन मैट्रिक्स बना देना अब आपको ये तो पता है ना कहां पे क्या आ रहा है जो मैंने आपको डायग्राम दिखाई थी ये इस लाइन में जो चीजें आ रही टू एटी एट फिफ्टी टू ये हैं आपकी ट्रू वैल्यूज ठीक है सेवनटीन और ट्वेंटी टू क्या है आपकी फॉल्स वैल्यूज फॉल्स नेगेटिव या फॉल्स पॉजिटिव ठीक है इसी वजह से आपके पास एक्यूरेसी स्कोर भी सेवन एट है सेवेंटी फाइव 0 .7, 0 .7, इसका मतलब है 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 कि ये जो है 70 है, accurate जो तकरीबन और ये जो वैल्यूज के तकरीबन ठीक है तो confusion matrix आपको बेसिक आइडिया देता है कि कितनी चीजें एक मॉडल अच्छे से प्रोडिक्ट कर पा रहा है और कितनी चीजें एक मॉडल अच्छे से प्रोडिक्ट नहीं कर पा रहा है ठीक है तो इस तरीके से आप अपनी एक्यूरेसी और कंफ्यूजन कंफ्यूजन मैट्रिक्स वगैरह देख सकते हैं अब आप देखें कि यहाँ पे सेवेंटी एट परसेंट आ रहा है एक्यूरेसी इसका मतलब है ये जो रिजल्ट है ना एकट रिजल्टी एट परसेंट एक बात की अब आगे चलते हैं मैंने ये चीज आपको बता दी कि आप इस तरीके से एक कंफ्यूजन मैट्रिक्स बना सकते हैं आपको पता है आप सेम कंफ्यूजन मैट्रिक्स जो है ना वो सिंपलीस एन एस के थ्रू भी बना सकते हैं कैसे मैं भी आपको दिखाता हूं यहां पर मैंने कंफ्यूजन मैट्रिक्स इज इक्वल टू उसके आगे ये लिख दिया कंफ्यूजन मैट्रिक्स मेरे पास ऐसे आ गया अब मैंने क्या करना है एस एन एस डॉट हीट मैप बनाना है ठीक है हीट मैप के थ्रू सी एम करके एनोटेशन करके उसको हम यहां पे शो कर देते हैं Let's see, कैसा बनता है बाद में इसको हम चेक कर लेते हैं ले मतलब आप अपनी मर्जी से हीट मैप के अंदर ये चीज शो करवा सकते हैं जीरो क्या वन क्या अब आपको समझ आ रही जीरो वन क्या चीज है या नहीं समझ आ रही एक्स और वाई का पता है कि क्या क्या है ट्रू और प्रोडिक्टेड का या नहीं पता चल रहा इसको और आसान कर देते हैं मैं यहां पे इसके साथ लिखता हूं पीएलटी डॉट एक्स लेबल और इसको मैं इक्वल टू कर देता हूं प्रोडिक्टेड के पीएलटी डॉट वाई लेबल इसको मैं कर देता हूं एक्चुअल के ठीक है और इसको पीएलटी डॉट शो रहने देते हैं उसको, सिंपली ऐसे ही आ जाना ठीक है अब समझ आ गई एक्चुअल और वर्सेस प्रोडिक्टेड क्या होता है सही है कि नहीं सही अब वन और जीरो का तो आपको पता है ना सर्वाइव्ड में वन है सर्वाइव्ड जीरो है नॉन सर्वाइव्ड ठीक है आप इनको भी दोबारा से चेक करके चेक कर डेड और अलाइव करके या किसी भी तरीके से आप इसको देख सकते हैं ठीक है अदनान भाई कह रहे हैं उल्ट हो गया अदनान भाई क्या उल्ट हुआ है बताइएगा वन बिल्कुल सर्वाइव है ना सर्वाइव्ड वन होगा तो वो यस yes है ठीक है जीरो होगा तो वो नॉन सर्वाइव्ड है चलें एक यहां पे एक चीज देखते हैं कुछ लोग कह रहे हैं एक्स पे आना चाहिए दूसरा प्रेडिक्टेड और वाई पे आना चाहिए एक्चुअल ऐसे ही चले मुझे एक बात बताएं समझिएगा जरा गौर से मैं यहां पे वन लेके आता हूं ऐसे और यहां पे वन ऐसे आता है इन दोनों का पोजीशन अगर मैं स्वाइप कर देता हूं तो कोई फर्क पड़ता है आपस की बात है करके देख लें मैट्रिक्स का यही तो मजा है अगर आप एक्स को भी कर देना एक्चुअल तो हमारे पास बावन ही रहना है वो यह चेंज होगा नहीं ना होगा चेंज क्यों क्योंकि हमारे पास टिक्स यहां पे आ रहे हैं सही है तो मैट्रिक्स है इस वजह से मैं ये बात आपको समझा रहा हूं ओके okay. होपफुली आपको यह समझ आ गई कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या होता है आप यकीन मान के जाने इस पे इतने इतने अवाम ने ब्लॉग लिखे हैं बिकॉज लोगों को कंफ्यूज कर देता है मैंने आज आपको कितने मैट्रिक्स पढ़ाए हैं पहला था एक्यूरेसी दूसरा प्रोसीजन तीसरा रिकॉल चौथा एफ वन पांचवा आपके पास कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्लासिफिकेशन इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है इन पांच मैट्रिक्स अगर ये इन पांच के पांच मैट्रिक्स को आप बुनियाद बना के चले तो आप फर्दर एल्गोरिथम्स के अंदर अपनी जो एक्यूरेसी है या डिफरेंट किस्म के आपके कंपैरिजन है वो आप देख सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको आने वाले दिनों में पता चल जाएगा अच्छा यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताता हूँ इसके यहाँ पे आप कलर मैपिंग भी कर सकते हैं सी मैप इज इक्वल टू ब्लूज में कर देता हूँ मेरी आवाजें सुनते ही हैं तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं सी बार मैंने यहाँ से फॉल्स किया आप ट्रू कर सकते हैं मतलब के अंदर And then, अब आपको यह समझ कि, कि यहाँ पे हमारे पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन को हमने प्रडिक्ट किया हमारा मॉडल ट्रेन हो गया नाउ द नेक्स्ट थिंग अगर नई चीज को प्रडिक्ट करना है तो कैसे करेंगे उसके लिए हम लिखेंगे मॉडल डॉट प्रिडिक्ट इसके अंदर अब इसके अंदर मैं एक्स टेस्ट की बजाय एज और सेक्स देना है मैंने ठीक है एज मैं दे देता हूं बाईस सेक्स वन कर देता हूं ठीक है और इसको हम करते हैं प्रिडिक्ट बाईस साल का बंदा उसके साथ क्या हुआ जीरो हो गया वो ठीक है खत्म बाय बाय टाटा वो जो कर रहे थे मशीन लर्निंग ये कह रही है उसे मैंने कह रहा नाउस बिल्ला तो अगर मैं यहां पे उम्र बढ़ाता जाऊं लेट्स सी अड़तीस लिखता हूं मेरा मॉडल क्या कह रहा है मैं ये नहीं कह रहा कि टाइटेनिक में ऐसा हुआ मैं ये कहूंगा ये मेरा मॉडल कह रहा है जो मैंने अभी ट्रेन किया है ये भी गया बेचारा जीरो करते हैं वन बच गई अब मुझे कैसे पता कि वन बंदे के लिए था और जीरो बच गई मैंने बोल दिया रीजन ये है कि मेरा मॉडल के अंदर मुझे समझ आ रही है कि मैंने उम्र बढ़ाई और घटाई बंदे गए और मैंने ईडी किया हुआ है टाइटेनिक का आप लोगों ने मेरे साथ किया हुआ यू शुड नो यार लड़कियां बहुत बची औरतें बहुत बची बच्चे बहुत बचे लेकिन बाकी उसमें ओके हो गए थे यहाँ पे आठ लिखता हूं मैं ऑब्वियसली वन है अब मैं यहाँ पे मेल का लिखता हूँ आठ वो जीरो यहां पे हम लिखते हैं फाइव लेट्स सी जीरो वन ठीक है तो इस तरीके से आपका मॉडल प्रिडिक्शन देता है हमारी दो इनपुट्स हैं छब्बीस भी होती हैं यही तरीका का था पांच सौ भी हो यही तरीकाकार है डेढ़ हजार इनपुट्स भी हों सेम तरीका का है सही है ये माइंड में रखिएगा चीज क्योंकि हमने बेसिक से स्टार्ट करना होता है क्लासिफिकेशन के लिए ये चीज माइंड में रखिएगा अब आपको समझ आ गई कि किस तरीके से काम चलता है किस तरीके से क्लासिफिकेशन होती है कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या होता है और बाकी मैट्रिक क्या है अब हमने क्या करना है आपका टास्क क्या है यार कर लिया अगर के रहने तो मैंने देना ही नहीं है करता कोई नहीं है इससे बेहतर है मैं खुद ही पे करके दिखा दू जो तीन तीन चार लोग करते हैं जारी बात है ऐसे मजा थोड़ी ना आता है बाकी लोग भी अगर कर लिया करें तो बेहतर हो जाएगा ठीक हो गया अच्छा जी बाइनरी क्लासिफिकेशन का समझ आ गई यहाँ पे आपको किस तरीके से हम करते हैं मॉडल कैसे करते हैं प्रोसीजर और रिकॉर्ड स्कोर की समझ आ गई आपको अब आगे चलते हैं सेम काम हमने एक और क्लासिफायर के साथ करने, फिर हमने दोनों की मैट्रिक्स की बेस पे कंपैरिजन करना है कि कौन सा एल्गोरिथम बेस्ट है ठीक है राइट रेडी हैं आप लोग मैं सेम काम करने लगा हूं और यहां पे इसको मैं लिखता हूं जीरो फोर अंडर स्कोर एसवीएम ले आते हैं ठीक है स्पोर्ट वैक्टर मशीनों से बोलते हैं फिर मैं आपको बताता हूं कि ये होता क्या है पहले मैं आपको समझा दूं कि किस तरीके से हम कंपैरिजन करते हैं वेक्टर मशीन क्या होती है बेसिकली uh, आप एक प्लेन बनाते हैं दो या दो से ज्यादा चीजों को क्लासिफाई करने के लिए उसको हम स्पोर्ट वेक्टर मशीन बोलते हैं एक प्लेन ड्रॉ किया जाता है मैथमेटिकली आप कह लें हूं ना वो भी इक्वेशन ही देनी है उसमें वो प्लेन कैसे ड्रॉ किया जाता है मैं भी आपको दिखाता हूं ड्रॉ करके यहां पे और फिर हम इस पर आगे बात करते हैं बोर तो नहीं हो गए ना नींद तो नहीं आ गई ना जिनको आ गई है बेचारे यकीन माने बड़े थके हुए होते हैं लोग ठीक है एस वी एम स्पोर्ट वैक्टर मशीन ठीक है इसका रिग्रेसर भी है svr रिग्रेसर भी हो जाता है और इसका क्लासिफायर भी होता है सही है समझ में आ गई बात की ये दो चीजें याद रखिएगा अब रिग्रेसर क्या करेगा क्लासिफायर क्या करेगा यू नो बेटर देन मी नाउ यहां पे नंबर्स आ जाएंगे यहां पे आपके पास क्लास आ जाएगी राइट right? अब करता क्या है ये बेसिकली आपको एक प्लेन बना के देता है जिसकी थ्रू आप एक डिवीजन करते हैं दो या दो से ज्यादा चीजों के अंदर अगर हमारे पास यहां पे हम डेटा पे काम करते हैं आपको पता है ना हम डेटा साइंटिस्ट बनने जा रहे हैं डेटा साइंटिस्ट बन चुके हैं आधे से ज्यादा लोग हमने क्या करना है मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास ये ग्रीन पॉइंट ये ग्रीन पॉइंट है मेरे पास और ये हैं जी रेड पॉइंट्स एक प्लेन ऐसा ड्रॉ किया जाए क्योंकि देखिए थोड़ा सा मुश्किल है ना इन दोनों को सेपरेट करना आप लिनियर एग्रेशन से तो नहीं होगा या क्लासिफिकेशन जो लॉजिस्टिक की है वो भी नहीं कर पाएगी इसे इजीली ठीक है तो क्या है हम यहाँ प्लेन या एक लाइन या एक सेपरेटर ड्रॉ करते हैं जिससे रेड और ग्रीन सेपरेट हो जाए ठीक है उसके लिए हम क्या करेंगे हम यहां से दो को सेपरेट किया अगलों को सेपरेट किया ऐसे सेपरेट करते गए तो इस तरीके से हमारे पास ये वाली ऐसे सेपरेशन लाइन बनी ठीक है ये इस तरीके से बनती 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 ये सेपरेशन होगी ठीक है तो कोई भी एक प्लेन हाइपर प्लेन या किसी भी तरीके का प्लेन जो है या लाइन जो है या सेपरेशन जो है जब आप एक मैथमेटिकल इक्वेशन के थ्रू ड्रॉ करते हैं जारी बात है इसके पीछे मैथमेटिकल इक्वेशन है ये कैसे काम करता है तो बेसिकली वो उसे सेपरेट कर देता है अब ये ये इतना सिंपल नहीं है जितना मैंने आपको बना के दिखा दिया है कि मशीन जो है वो देखती है कि रेड वाला उधर से पेंसिल ऐसे गुजार रही होगी नहीं ऐसा नहीं होता यू हैव टू हैव अ लॉट ऑफ अदर इक्वेशन मॉडल्स और ये सारा स्टैटिस्टिक्स की बेस पे चलते हैं स्टेटिस्टिक्स क्या है एस्टिमेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स स्टैटिस्टिक्स एस्टिमेट करती है कि ग्रीन वालों को रेड वालों से सेपरेट कैसे करना है ठीक है सो वो कैसे करती है वो बेस्ड ऑन द वैल्यू सेपरेट करती है बेस्ड ऑन द पैरामीटर्स बेस्ड ऑन द प्रेडिक्टर्स प्रेडिक्टर्स का रिलेशनशिप वही सारी चीजें आएंगी बार बार उनका कोरिलेशन उनका विद इन डिस्ट्रीब्यूशन विद इन डेटा सेट ये सारी चीजें बड़ी मैटर करती हैं अभी के लिए मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि ये ऐसे प्लेन सेपरेट कर देता और उसको क्लासिफाई कर देता बट नाउ वी विल सी कि हमने किस तरीके से दो मॉडल्स को कंपेयर करना है इसके अंदर ठीक है फिर आपको मैं डिटेल में एस भी समझाने वाला हूँ एसवीएम भी समझाने वाला वालों बट फॉर नाउ प्लीज स्टे विद मी कि कैसे काम करता है ये मैंने यहाँ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन के ऊपर ये सारा काम किया है ऑलरेडी मैं इसी वजह से लॉजिस्टिक रिग्रेशन का ये वाला लाइब्रेरीज को इम्पोर्ट करता हूँ यहाँ पे पेस्ट करता हूँ ठीक है मसला तो नहीं है ना ऐसे करने में आपको समझ तो आगे है ना मैंने क्या किया था यहाँ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन आ गई अब यहीं पे मैं करूंगा पूछने लगा था कि इसको कैसे इंपोर्ट करेंगे खुद एक क्लास है ठीक है तो इसके अंदर से इसे इंपोर्ट करना है हम लीनियर मॉडल्स की बात कर रहे थे तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन आ रही थी रिग्रेशन आ रही थी मल्टीलिनियर रिग्रेशन भी लीनियर में आ रही थी ठीक है और इसी तरीके से पोलिनोम और बाकी भी आ रही थी सो फ्रॉम नाह क्लासिफिकेशन के लिए ऐसे करेंगे अगर मैं इसको एस बी के आगे आर लिखता हूं तो ये रिग्रेशन हो जाएगी सिंपल इज दैट ठीक है मैंने क्या किया मैं क्लासिफिकेशन पे सिंपली रखता ये मैंने दो मॉडल यहाँ पे लिए अब मैं अलग अगला काम क्या करता हूँ ट्रेन टेस्ट स्प्लिट लेके आते हैं यहाँ पे ठीक है यहीं पे मैंने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट लिया इसके बाद जो मैंने एक्यूरेसी स्कोर और बाकी वाले स्कोर्स वगैरह थे वो यहाँ पे लेके आता हूँ जी ये वाले, evaluation matrix, ये वाले मैंने यहां पे लिख लिया ठीक है थीके? अब मैंने क्या करना है दो मॉडल्स को आपस में कंपेयर करके देखना है कि कौन सा मॉडल बेस्ट है ठीक है बाय द वे आरओसी और एयूसी कर्व जो है उसको मैं लेटर ऑन आपको पढ़ाने वाला हूँ सो डोंट वरी अबाउट दैट वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ बट फॉर नाउ प्लीज फोकस ऑन दिस थिंग मैंने इसको रन किया मेरे पास ये सारे मॉड्यूल्स आ गए अब मैं क्या करता हूँ सिंपली यहाँ पे क्या किया था हमने पहले? हमने पहले तो वही का काम करते हैं तो बजाय इसके खुद लिखने के मैं उसी को उठा के ना ले वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा डायमंड नहीं हमने पे काम करना तो मैंने ये वाला यहाँ से डेटा इम्पोर्ट किया था डेटा इम्पोर्ट करने के बाद स्किम्स स्कूम नहीं मैंने करना आपको पहले पता है इस डेटा का डायरेक्टली मैं लेबर इनकोडिंग करता हूँ इसकी यहाँ पे लेबल इन कोडिंग होगी मैं कोड सिर्फ आपको इस वजह से नहीं दिखा रहा सारा लिख के नहीं दे रहा सारा क्योंकि वी हैव डन इट ऑलरेडी ठीक है पे पे हमने कर दी नल वैल्यूज एंड देन एक्स और वाई आ गए हमारे पास ठीक है ये चीज इसको मैं रन करता हूँ यहाँ पे ठीक है तो मेरे पास एक्स और वाई आके गए यहाँ तक आपको क्लियर होगा एक्स एंड वाई हमारे पास कैसे आए क्योंकि मैंने पहले भी आपको करके दिखाया टाइटेनिक के डेटा के अंदर एक्स एंड वाई तक हम पहुंच गए अब ट्रेन टेस्ट सप्लीट करना है वो भी इसी के अंदर कर लेते हैं जहां पे फर्क आना है वो मैं आपको दिखाता हूं अभी ये कर लिया हमने ट्रेन टेस्ट सप्लीट यहां पे अब फर्क आना है पहला काम हमने क्या करना है हमने लगाना है लॉजिस्टिक रिग्रेशन ठीक है लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए आपने क्या करना है पहले मॉडल क्रिएट करना होता है फिर मॉडल का काम करना होता है मैं इसको एल आर बोलूंगा इस दफा ठीक है ताकि मेरे माइंड में रहे कि मैंने लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगाइए ये एल आर के ऊपर अब हमने क्या करना है अच्छा एक और चीज याद रखें वो ये है कि आप डॉट फिट ये यहीं पे भी कर सकते हैं लाइक दिस सो डोंट नीड टू गो डाउन देयर लेकिन जारी बात है आवाम की आसानी के लिए और पुरजोर फरमाइश पे ये सारे काम मैं साथ साथ करता रहता हूँ ये हमने कर लिया हमने लेबल इन कर ली थी यस एल आर डॉट फिट किया और यहाँ पे हमने इसके बाद हमने प्रोडिक्शन जो है वाई प्रोडिक्ट यहाँ पे लेके आनी है ठीक है ये वाली चीज ये तीन काम हमने एल के कर लिए मॉडल नहीं करना एल आर डॉट प्रोडिक्ट करना है। LR. अब इसको करने के बाद मैं इसको यहां पे रन करता हूं तो मेरे पास y प्रोडिक्ट की वैल्यू यहां पे आ चुकी है ऑलरेडी इसकी इसके साथ ही मैं ये जो एक्यूरेसी स्कोर है ना इसी का कॉपी करके ये यहीं पे मैं इसके अंदर लिख लेता हूं तो यहाँ पे जितना भी स्कोर्स वगैरह आए हैं ये सारे के सारे आए हैं मेरे पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन के वही पीछे वाला सारा कॉपी करके मैंने एक कोड की लाइन के अंदर लिख दिया अब जो फर्क आता है ना इसी कोड को हम कन्वर्ट करेंगे एस के अंदर लेट सी मैंने लॉजिस्टिक रिग्रेशन को एस लिख दिया यहाँ पे हमने क्या करना है एस वी सी लिख लिया ठीक है और इसको हम एस सी कर देते हैं यहां पे भी एल आर की बजाय एस वी सी ठीक है यहां पे एस वी सी सही हो गया इसको अब रन करके देखते हैं क्या होता है आपको क्या लगता है चलेगा कोड अपना अपना तो नहीं कर रहे मैंने तो लगता है मैंने तो कहता बोली जा ये आ गया मैट्रिक्स हमारे पास ठीक है <laughs> दोनों के मैट्रिक्स हमारे पास आ गए अब मैं क्या करता हूं आपको ये वाले मैट्रिक्स कॉपी करके यहां पे पेस्ट कर देता हूं लॉजिस्टिक रिग्रेशन के और यहां पे नीचे पेस्ट कर देता हूँ मैं एसवीसी के हाँ जी जुबानो आप लोग मुझे बता सकते हो कि इसमें कौन सा मॉडल बेस्ट है Based on these metrics, काम वही है जो हमने कर लिया एसवीसी रिग्रेशन की बजाय तो यहां पे कौन सा मॉडल बेस्ट काम करेगा ओवरऑल देख के आप बता सकते हैं और आपको बड़ा आसानी से पता चल रहा है कि कौन सा बेस्ट काम करेगा मैंने जानबूझ के एसवीसी लिया क्योंकि इसकी एक्यूरेसी थोड़ी कम आती है रीजन मैंने आपको बता दी कि प्लेन बनाना आसान काम नहीं है एल आर अच्छा काम कर रहा है क्यों अच्छा काम कर रहा है आपको पता है एक्यूरेसी उसकी ज्यादा है वो है वो रिकॉल वो ज्यादा है एफ वन स्कोर उसका ज्यादा है आर ओसी स्कोर उसका ज्यादा है इसके बाद अगर हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स की बात करें दोनों का ड्रॉ करके हम देख सकते हैं कि कहां कहां पे मसला आ रहा है ठीक है अब यहाँ पे बेसिकली आपको ये समझ आ गया कि किस तरीके से हमारा एक मॉडल दूसरे के साथ डिफ्रेंशिएट हम करते हैं राइट यहां तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है अब आप प्लीज दोनों के कंफ्यूजन मैट्रिक्स ड्रॉ कीजिए दोनों के सेपरेटली ड्रॉ करने के बाद उसे आपने मुझे टेलीग्राम में भेजना है और समझना है कि सच में ऐसा ही है जो मैंने आपको बताया या डिफरेंट चल रहा है काम ठीक है कैसे ड्रॉ होने मैंने आपको पहले बता दिया था आप यहां पे भी लिख सकते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स इसको मैं सी एम कर देता हूँ इज इक्वल टू कंफ्यूजन मैट्रिक्स टेस्ट वाई अच्छा भाई खुद ही कर लो कर लो कर लो प्रिंट कर लो कर लो मुझे पता था ये कुछ ज्यादा ही तेज हो गया काम 88 एट एंड फिफ्टी हमारे पास दो वैल्यूज आ रही हैं 88 एट एंड फिफ्टी जो पीछे में आई थी ठीक है अब यही काम हम नीचे वाले में करवाते हैं एक सौ चार एंड पांच तो मसला कहां पे है दया? किस पॉइंट पे मसला है फॉल्स पॉजिटिव पे के फ़ाल्स नेगेटिव पे सिक्सटी नाइन ज्यादा आ रहा ना हमारे पास यहां पे जो हमारा मैट्रिक्स था वो हमें ये कह रहा था अठासी सतारह बाईस बावन और यहां पे हमारा मैट्रिक्स क्या बोल रहे एक सौ चार एक उनहत्तर पांच तो सिक्सटी नाइन वैल्यूज हमारे पास ज्यादा देखा जाए तो और जैसे मैंने आपको वो कन्फ्यूज मैट्रिक्स जो है वो दिखाया था वहां पे तो उसके अंदर कुछ चीजें हमारी डिफ्रेंशिएट कर रही थी ठीक है हमारे पास फॉल्स नेगेटिव ज्यादा है ये वाला पॉइंट हमारे पास ज्यादा है और हमारे पास कौन सी चीज कम है दैट इज कॉल्ड ट्रू नेगेटिव हमारे पास कम है इसका मतलब अगर ट्रू नेगेटिव कम है तो फॉल्स नेगेटिव ज्यादा है ना समझ रहे हैं बात को मैं आपको दोबारा से वो वाली डायग्राम दिखाता हूं फिर आपको आसानी से समझ आ जाएगा हाँ जी हमारे पास यहां पे नंबर ज्यादा है फॉल्स नेगेटिव और ट्रू नेगेटिव कम है ठीक है यही मसला है ना लेकिन ट्रू पॉजिटिव का नंबर बेहतरीन जा रहा है एस में इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि मशीन लर्निंग एल्गोरिथम सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव या फॉल्स पॉजिटिव uh, पे नहीं काम करता समटाइम्स एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम आपको पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू अच्छी दे देता है सो इट शुड नो कि आपका स्टेटिस्टिकल हाइपोथेसिस क्या है क्या आप मुर्दे तलाश कर रहे हैं या आप जिंदा लोग तलाश कर रहे हैं समझ आई बात की क्या नहीं आई सही है? अब कंफ्यूजन मैट्रिक्स आपको सिर्फ ये बताएगा कॉल क्या किया या या ठीक है 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 आपने इसकी पे अपना hypothesis करना होता है, जो एक आसान काम नहीं कि यार आप मुर्दे तलाश कर रहे हैं जिंदा तलाश कर रहे हैं ठीक है तो देख ले इन दोनों में रिफाइन लाइन है देन यू हैव टू गो फॉर समथिंग विच इज रियली गुड अब यहां पर चलते हैं वापिस आपको लेके पैक करके ना कोई। so, हमारा जो मर्जी बना ले आप इमरान भाई का क्वेश्चन हम जीरो को देख रहे हैं या वन को देख रहे हैं ठीक है तो अगर हम बात करें यहाँ पे कंफ्यूजन मैट्रिक्स जो मैंने किया था, हमारा एक्चुअल है वन ठीक है और हमारे पास यहाँ पे प्रडिक्टेड है जीरो समझ रही बात की क्या हो रहा है यहाँ पे नेगेटिव बता रहा है वो जो फॉल्स नेगेटिव है समझ रही बात की फॉल्स नेगेटिव क्या होता है समझ रहे बात को तो इस तरीके से आपने कंफ्यूजन मैट्रिक्स को देखना आता है अभी एसवीएम हमारा ये काम कर रहा है अगर यहाँ पे मैं पांच छह मॉडल और आपको दिखा देता तो आप फर्क पता करना लेते इजीली कि कौन सा बेस्ट है पांच या छह में से तो अगर आप बजाय इसके कि मैं ये खुद जो देख रहा हूँ कि किसकी एक्यूरेसी ज्यादा है किसकी कम है अगर मैं फॉर लूप लगा दूं इफ एल्स कंडीशन लगा दूं तो कितना मजा आए ठीक है थीके? वो डेरी मिल्क की मशूरी नहीं आते कितना मजा आए रे तो वो काम हो जाना फिर फॉर लूप की दुनिया हो इफ एल्स की कंडीशन हो ठीक है ग्रिड सर्च सीवी हो हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग हो और आपका मॉडल दिख जाए रे ठीक है सो so, हम उन्हीं चीजों पे आगे काम करने वाले हैं हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कुछ चीजें याद रख लें ग्रिड सर्च सीवी क्रॉस वॉलिडेशन और इस तरीके से बाकी मॉडल्स हम सिर्फ मॉडल्स और एल्गोरिथम्स नहीं देख रहे कीप इन माइंड वी आर लर्निंग हाउ टू हैंडल अ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम सही है अगर आपको लगता है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ रहे हैं ऐसा काम नहीं है मैंने आज आपको कंपैरिजन भी बता दिया मैट्रिक्स भी आज हमने देखे की बाइनरी एक क्लास भी देखी प्रडिक्ट करके भी देखा एक वैल्यू का मशीन लर्निंग एल्गोरिथम ट्रेन करने के बाद उसकी एक्यूरेसी और बाकी चीजें भी देखी आजकल की दुनिया किस चीज के पीछे है वो आपको बताने लगो अगर आप इंटरेस्टेड है अदरवाइज यहीं पे कर सकता हूं। लो, लो तो है पर सकता हूँ अगर आप लोग नहीं खा लूँ फिर सूफी वालों कछी वालों की लट्ठी दुनिया जिस चीज के पीछे है ना वो अपने मॉडल की पॉइंट्स में एक्यूरेसी बढ़ाने के पीछे है पॉइंट्स में कि यार्ट सेवन एट से पॉइंट सेवन नाइन हो जाए ना कहीं मजा आ जाए और लोग बिलियंस ऑफ यूरोस खर्च कर रहे हैं सिर्फ एक्यूरेसी बढ़ाने के ऊपर कैसे मैं आपको मिसाल दूंगा आप यकीन करेंगे बकायदा वैक्सीनेशन नाइनटी फाइव परसेंट है पांच परसेंट बीमारी के चांसेस हैं पता है कितने जर्मनी की जीडीपी अच्छी खासी इस साल की जो है वो पिछले सालों की खासतौर पे इस साल जो कैलकुलेट की गई उसमें बायोटेक कंपनी का बहुत बड़ा हिस्सा है जिसने फाइजर बनाई है ये आपको भी पता है क्यों सबको पता है और उनकी वैक्सीन की एक्यूरेसी बेशक उसके पीछे सारे वो बायोलॉजिकल टर्म्स है सब कुछ है ठीक है एट द एंड तो डेटा है ना वो समझ रहे बात को मैं मशीन लर्निंग की बात नहीं कर रहा मैं एक्यूरेसी की बात कर रहा हूँ की परफॉर्मेंस बढ़ती है मैं आपको एक मिसाल देता हूँ अब आईटी की दुनिया में आ जाओ आप लोग मैं यहाँ पे गूगल पे लिखता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट मैच और आपके साथ जो हुआ है मैं रियल लाइफ में बताने लग जो बाहर बैठे होते हैं ना हम जैसे लोग सामान क्षेत्र लिंक नहीं लगता तो ऊपर से कह रही होती है लिंक देखने के लिए फ्लान जगह पे क्लिक करें होता है ना ऐसा लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है उस पर क्लिक करें वो बार बार बोलती रहती है वो क्या है वो असल में हमने गूगल पे सर्च किया गूगल ने अपनी तरफ से बताया कि ये क्रिकेट मैच पे पे चल रहा है है लेकिन वहां पे क्या होता एक्यूरेसी ठीक नहीं होती वो फेक होते हैं लिंक तो गूगल की भी सारी की सारा जो मॉडल है वो एक्यूरेसी पे ही है ना मैटर करता आप गूगल पे सर्च करें मशीन लर्निंग आगे से आपको कुछ और आ जाए समझ रहे हैं ना

क्लोनिंग ऑफ़ डेटा डेटा की डेप्थ को इंक्रीज करना, डेटा के साथ खेलना, वो जब कहते थे ना, में, x दी याद है ना बचपन में कोई इक्वेशन हल करने के लिए हम दोनों की तरफ दोनों तरफ करते थे मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू के दोनों दोनों तरफ वो बेसिकली ऑगमेंटेशन हो रही है आजकल के दौर में बहुत ज्यादा चल रही है वो और इन अल्लाह ने चाह तो नेक्स्ट uh, लेवल के जब हम मशीन लर्निंग में पढ़ रहे होंगे तो इन चीजों को हम जरूर देखेंगे आज तक के लिए इतना ही आप सिर्फ इस चीज पे फोकस करें कि एक्यूरेसी कैसे इंप्रूव करनी है और प्लीज अगर आप में से कोई बंदा एक ब्लॉग लिख सकता है या आप में से कोई एक ऐसी चीज पे बात कर सकता है कि हाउ वी कैन इम्प्रूव दूरेसी मॉडल बेस्ड ऑन मैथमेटिकल इक्वेशंस कौन कौन सी टेक्निक्स हैं कौन कौन से, से, कौन -कौन से uh, जो मैथड्स हैं इस वक्त पड़े हुए हैं सिर्फ उनको इनलिस्ट कर दें और एक अच्छा सा ब्लॉग अगर आप लिख सकते हैं तो टूवर्ड्स इन टूवर्स डेटा साइंस बेस्ट चीज की कमी आप जाके लिखें मीडियम के ऊपर अपना आर्टिकल लिखें फेसबुक पे यार एक पोस्ट डाल दो नहीं डालने ट्विटर पे एक थ्रेड बना दो कुछ करो आप लोग हमें जरूरत है इन चीजों की रामानंजन के बारे में किसी को पता हो सकता है मैं गलत नाम ले रहा हूँ इंडियन मैथमेटिशियन थे नहीं किसी को पता तो उस बंदे की एक थ्योरी भी है आप यकीन माने उस बंदे की लाइफ स्टोरी सुन के ना दिमाग हिल जाता है क्योंकि हम भी बड़े संगीर से हैं बेसिकली अगर देखा जाए और हमारा बेसिकली वो हम, मतलब हमारे इंसेस्टर तकरीबन कॉमन ही है ना अगर देखा जाए तो तो अगर मैथमेटिशियन ऐसे ऐसे वहां से उठ सकते हैं जो मतलब सेम बोली बोलते हैं सेम हम लोग सब कुछ करते हैं सो वाई डोंट वी ट्राई नाउ तो हम अगर जवानों में खून जरा गर्दिश करें ना तो बहुत कुछ हो सकता है पोइट्री के अलावा भी जो आप बड़े बड़े टेक्स्ट लिख के भेजते हैं ना लोगों को कि किला बंदे ने सरफ खा लिया तो बजाय इसके आप ये काम स्टार्ट कर दें कि यार ये मैथमेटिकल मॉडल जो है ना ये ज्यादा अच्छा चलता है अपना ख्याल रखें दुआ में याद रखें और वो जो रामानुजन की मैं बात कर रहा हूँ उस पर एक पूरी मूवी भी है पता नहीं आप लोग क्या क्या देखते हैं मैं सजेस्ट करूंगा ऐसी चीजें देखा करें आपके नॉलेज में इजाफा होगा तो आप कुछ कर पाएंगे वो एक मोटिवेशन की चिंगारी कहीं से मिल जाए ना बंदे को बंदे के सालों क्या पूरी की पूरी जिंदगी जो है ना वो एक अच्छे स्टेप पे चली जाती है वही मोटिवेशन की चिंगारी मिलना बहुत जरूरी है ठीक है तो वो इनशाला आपको जल्द मिलेगी मैं यहाँ पे अपना जो है लाइव स्ट्रीम है उसे रिकॉर्ड करता हूँ पहले अपनी स्क्रीन स्टॉप करता हूँ